मतलब यार ये लुक चेक करो, मतलब बैक साइड से इसकी जो लुक आती है ना, मतलब प्रॉपर एक आर1 वाली फिट, आर1 फाइबर टोटल फेस इसका भाई चेक करो यार क्या लुक लग रही है। ये जो मैंने कराया है 5D में कार्बन फाइबर करवाया है, क्यों हम मॉडिफिकेशन के अंदर ना भाई नेक्स्ट लेवल ऐसे ऐसी चीजें करते हैं जो फर्स्ट टाइम ही होती है गाइस। सो भाई कैसे अपनी YouTube फैमिली, आई होप बहुत बढ़िया होगी। तो फ्रेजक ने व्लॉग के साथ, तो आज का जो व्लॉग रहने वाला है ना वो एक अपनी आरओ के ऊपर, ब्लैकी के ऊपर, ब्लैक बस्टर के ऊपर जो है हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। कई दिन हो गए जो हमने इसके ऊपर मॉडिफिकेशन नहीं की थी। सो आज का जो दिन है अपना संडे और छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन जो है हम इसके लिए थोड़ी सी शॉपिंग करके आए हैं और जो है इसमें आज इंस्टॉल करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि सब्सक्राइब नहीं किया जाकर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और क्या जो चीज़ हमने कराई है क्या आप लोगों को बेस्ट लगी। अगर बेस्ट लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मैं अब काम करता हूँ शुरू कर, एक बार बाइक चेक कराता हूँ आप लोगों को। देखिए सो गाइस चेक करो, आज कुछ शॉपिंग की थी अपनी बाइक के लिए, तो अपने हमने लिए एक बैक वाले इंडिकेटर जो कि हमारे ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, KTM के हमने ओरिजिनल वाले ले लिए और एक गिफ्ट और लिए अपने अपने बाइक के लिए। सो ये है ग्रिप्स कवर, चेक करो मतलब कितने ही प्यारे लग रहे हैं, रेड कॉम्बिनेशन के साथ हैं, मतलब ये जब लगेंगे और उसके बाद जब उसके बाद स्टिकर होगी ना तो अलग ही लेवल के लगेंगे। सो ये मॉडिफिकेशन आज हम अपनी बाइक पे करने वाले हैं और एक छोटा सा काम और था जो चैन सेट हमारा ख़राब हो गया था ना, तो हम वो भी डाल देंगे आज अगली वाली करारी, हमारे पास पड़ी हुई थी बचा के रखी हुई थी। सो कैसे लगे आपको ग्रिप्स कवर और अपने इंडिकेटर? सो आज ये मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। सो अभी जो हमने एक चीज़ और कराई है अपनी बाइक पे फ्रंट साइड में, वो मैं आपको वीडियो के बीच में या एंड में दिखाऊंगा। तो चेक करो जो हमारे पुराने वाले ग्रिप्स कवर हैं, जो ये देख सकते हो मतलब ज़्यादा ही खींचना, वैसे तो ओके दी रिपोर्ट है, बट जो आज हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि मॉडिफिकेशन में हम जैसे जैसे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना तो इसको भी जो है चेंज करना बनता है, दोनों साइड के एक जैसे ही मतलब ख़राब हो चुके हैं। और इंडिकेटर चेक कराता हूँ, इंडिकेटर जो है ना अभी फिलहाल के लिए ये वाले लगे हैं, इसका क्या एक बल्ब चल रहा है और इसका जो है प्रॉपर चल रहा है, लेकिन दोनों को ही जो है हम चेंज कर देंगे। सो उसके बाद जो है इसकी लुक और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी। सो चेक कर लो अभी कुछ ऐसी लुक है अपनी बाइक की, ये चेक करो आप। सो हमने जो है यहाँ पे कैमरे के लिए अपना माउंट्स भी लगा रखा है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है बाइक देखने में। फ्रंट वाले इंडिकेटर भी जो है ना उसी की तरह आपको देखने के लिए मिलेंगे जो हमने अभी बैक में लगाने हैं, सेम टू सेम चारों इंडिकेटर एक जैसे हो जाएंगे और करते काम शुरू, फटाफट से लगाते हैं उन चीज़ों को। जो है ना बाइक की डैम लुक आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है और जैसे पहले इंडिकेटर में दिक्कत आती है ना, अब हमारे को बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ब्राइटनेस में काम कर रही है कि बैक लुक, मतलब ब्रॉड टायर, आफ्टर मार्केट इंडिकेटर, मतलब वो भी एकदम ओरिजिनलिटी वाले, और बैक लाइट चेक करो यार बिल्कुल आर1 वाली जो है ना फील आती है, और हमने जो इसमें टेल रेडी की है ना यार, इससे तो जो बाइक के अंदर है चार चांद लग जाते हैं सीरियसली। और मतलब बैक लुक चेक करो, एक तो ब्रॉड टायर भाई सीरियसली 180mm टायर है, और सबसे पहले जो हमने YouTube के अंदर पर जो है वीडियो अपलोड की थी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, उसके बाद जो है काफ़ी लोगों ने जो अपनी बाइक के अंदर टायर जो है अपलोड किया था, बट अपनी बाइक की जो यार बाइक लुक आती है ना नेक्स्ट लेवल है, अब तो इंडिकेटर लग चुके हैं ना मतलब प्रॉपर, पहले जो है ना फास्ट चलते थे, अब जो है नॉर्मल अपनी रनिंग में आ चुके हैं जो नॉर्मल इनको चलना चाहिए। चेक करो यार भाई क्या सकते हो, महंगा काम हुआ है, सुपर बाइक वाली फील आ रही है, महंगा काम हुआ है सुपर बाइक वाली फील आ रही है, सीरियसली नेक्स्ट लेवल का बाइक लग रही है। और अभी अगला काम करते हैं हमने जिसके अंदर ग्रिप्स लगाने, ग्रिप्स कवर को लगाते हैं, उसके बाद फाइनल बाइक को मैं एक बार आपको दिखाऊंगा कैसी बाइक लग रही है अपनी, नेक्स्ट लेवल लगने वाली है। सो ये वाला ग्रिप हमने निकाल दिया, अब ये वाला ग्रिप लगाना है इसमें और दूसरा ग्रिप उस साइड का है, इसको चढ़ाते हैं फिर देखते कैसा लगता है। बड़ा ही टाइट है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मतलब ग्रिप चेक करो यार। और अभी यहाँ पे लगना है वेट, तो मैं सोच रहा हूँ इसको क्या ही कटिंग करें, रहने देंगे वेट तो इसका, तो कैसी लग रहा है भाई कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरे को तो बड़े ज़बरदस्त लग रहा है। और सेकेंड वाला रह गया, अभी सेकेंड वाला निकाल लेंगे, उसको डालेंगे, फिर इसकी जो लुक आने वाली है ना बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। एक चीज़ चेक करो, इसका कलर चेक करो और विंगलेट का कलर चेक करो, सेम टू सेम हो गया दोनों के दोनों, मैच कर रहे हैं बिल्कुल ही।
सो गाइस ये है नेक्स्ट डे। आज मतलब टुडे हो गया कि रात ज़्यादा हो गई थी उस टाइम, इसलिए हम कुछ काम कर नहीं पाए। तो फिलहाल के लिए आप साइड लुक चेक कर लो अपनी आरू अपने ब्लैके की। सो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं इसके बैक वाले इंडिकेटर से जो हमने कल चेंज करने थे, मैंने आपको बताया था। सेम टू सेम हमने फ्रंट में भी यही वाले इंडिकेटर डाले हुए। एक्चुअल में जो पहले डले थे उसका ना ये ग्लास बहुत बड़ा था, तो मतलब गंदे से लगने लग गए थे और उसका एक बल्ब जो है फ्यूज़ हो गया था, इसलिए हमने उसको चेंज कर दिया। तो बैक लुक अभी आपको कुछ ऐसी देखने के लिए मिलेगी। मतलब यार ये लुक चेक करो, मतलब बैक साइड से इसकी जो लुक आती है ना, मतलब प्रॉपर एक R1 वाली फील आती है ना बैक साइड से। जो बंदा देखता है इसको वाकई में एक लगती है सुपर बाइक टाइप बाइक है, क्योंकि यार ये बल्कि इतनी है क्या करें, सिर्फ एक इंजन छोटा है, सिर्फ इंजन बड़ा आ जाए ना तो भाई नेक्स्ट लेवल बाइक लगेगी बहुत ज़्यादा। अगला भाई अपने ग्रिप कवर चेक करो, ये मतलब देख रहे हो ना कितनी फिनिशिंग से जो है ना इसको हमने रात को प्रॉपर तरीके से चढ़ाया था। जो पुराने वाले थे उसको तो हमने काट दिया, लेकिन यार ग्रेस देखो यार कितना प्यारा आ रहा है सीरियसली। मतलब हैंडल की जो लुक है ना बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल इन्हेंस हो गई है ना, बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है मुझे भी। और जो ग्रिप्स मतलब ऐसे पकड़ने में जो ग्रिप्स आ रही है ना, वो पहले वालों से जो ओरिजिनल है उससे भी ज़्यादा मुझे बेस्ट लगी। चेक कर सकते हो प्रॉपर जो है ना ये रबड़ वाला ग्रिप है इसका टोटल। सो हमारे जो नेक्स्ट वाला काम रहेगा ना, हमने इसके लीवर्स भी चेंज कराने हैं। एक्चुअल में एक्सीडेंट में ये वाला टूट गया था, ये वाला रह गया, तो हमने दोनों ही जो इसको चेंज करा देना है। ये वाला देखो ये कुछ इस तरीके से चढ़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये प्रॉपर अंदर नहीं आया, बट जितना भी आया बहुत बेस्ट लग रहा है। हमने ये वाला बटन भी इसमें लगा दिया, पहले यहाँ लगा हुआ तो गंदा लगता था, हमने ये वाला करा दिया भाई। सबसे बड़ी नेक्स्ट लेवल चीज़ जो है वो हमारा कार्बन फाइबर टोटल फेस इसका भाई चेक करो यार, क्या लुक लग रही है सीरियसली नेक्स्ट लेवल। ये जो मैंने कराया ये 5D में कार्बन फाइबर करवाया है उसके ऊपर प्रॉपर जो रैप हुआ है, मतलब ये जो हमने जो सोची थी ना यार उससे भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लग रही है बाइक। मतलब पहले तो ये ना जो इसके ऊपर था ना हमने जो इनडायरेक्टली लगा दिया था, पेंट वगैरह नहीं कराया था, सिर्फ प्राइमरी जो इसके ऊपर मारा था, लेकिन अब जो लुक आ रही है ना भाई साहब नेक्स्ट लेवल आ रही है बहुत ज़्यादा। और फ्रंट वाले इंडिकेटर चेक करो भाई कितने ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। और अपनी अभी ना इसके अंदर DRL वाला भी हमने काम कराना है, वो भी मस्त लगने वाला है। मतलब उसके बाद जो बाइक की लुक आने वाली है ना नेक्स्ट लेवल आने वाली है। तो मैं यही कहूँगा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ऐसे ब्लॉग आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हम मॉडिफिकेशन के अंदर ना भाई नेक्स्ट लेवल ऐसे ऐसी चीज़ें करते हैं जो फर्स्ट टाइम ही होती है गाइस। सो चेक करो क्या लुक आ रहा है इसका। सो एक बार मैं आपको टॉर्च चला के दिखाता हूँ, मतलब ऐसे शायद आपको समझ ना आ रहा हूँ, मैं एक बार पास ले आता हूँ। हाँ चेक करो यार कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है, ये देखो कितना ही प्यारा लग रहा है। और जितना ये धूप में जाएगा ना इसके ऊपर धूप वाली जो शेड पड़ेगी ना भाई, उसके बाद जो लुक आता है वो नेक्स्ट लेवल आता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और प्यारी लगती है यार बाइक। मतलब अब जो बाइक का लुक आ रहा है ना भाई बहुत ज़्यादा बल्कि लुक हो गया है। ये प्रोफाइल चेक करो, ये प्रोफाइल चेक करो भाई इसकी, मतलब R1 वाली फील जो आती है ना भाई। नेक्स्ट जो वर्क रह गया अब इसके ऊपर हमने कराना है रैप करवाना है। सो अभी जो है मैं कलर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ कि हमें कौन सा कलर इसके ऊपर कराना चाहिए। एक्चुअल में हमने ये हाफ बाइक जो है ना ऊपर से रैप करवानी है टोटल, और एक अंडरबेली जो हमने इसके अंदर इंस्टॉल करानी है वो भी करवाएंगे। उसके बाद बाइक की जो है लुक नेक्स्ट लेवल होने वाली है। सो आपको क्या लगता है कि मुझे इतनी मॉडिफिकेशन करानी चाहिए? बिल्कुल भाई कराऊंगा मैं, क्योंकि जो चीज़ें मैंने सोच के बाइक को ख़रीदा था ना, अब मैंने धीरे धीरे वो सारा काम इस पर करा देना है A to Z सारा का सारा। मतलब उसके ऊपर जो ग्राफिक वगैरह भी है ना वो भी हमने इसके ऊपर करा देने हैं प्रॉपर। उसके बाद जो बाइक का लुक आने वाला है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और देखो यहाँ भी जो हमने कार्बन फाइबर किया है भाई, ये वाला जो है कार्बन फाइबर किया है, और एक हमने ये वाला कार्बन फाइबर किया जो इसका बैक वाला ग्लास है। अब बाइक की काफ़ी अच्छी सी लुक आ रही है, बहुत बेस्ट लग रही है बाइक देखने में। एक हमने जो इसके अंदर 180 mm टायर डलवाया, मतलब बहुत ज़्यादा बल्कि लगती है बाइक देखने में। सो गाइस मिलते हैं फिर नए व्लॉग में कुछ नया लेके। सो ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो कमेंट करना है, और मुझे बताना है कि ब्लैकी अपनी कैसी लगी मॉडिफिकेशन में, जो हमने जरूरी काम कराने थे करा दिए। सो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बाइक कैसी लगी भाई। नए व्लॉग में मिलते हैं फिर जल्दी ही।